दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जिस टूल की मदद से आप सारी ऑन पेज एसईओ की एरर्स दूर कर पाएंगे। इवन आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस पेज में कहां एरर है, कहां मिस्टेक है, सब कुछ काफी डिटेल में उस टूल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एसईओ सीखना होगा। और ये एसईओ की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम एक एसईओ का टूल बताने वाले हैं जो आपके सारे एरर को फिक्स कर देगा, फिर आपकी वेबसाइट धीरे धीरे गूगल पर रैंक करने लगेगी। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर अभी तक आप हमारे एसईओ की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं वेबसाइट पर रैंकिंग, तो आज से ही हमारे एसईओ की सीरीज को फॉलो करें, काफी डिटेल में हम वीडियोस ला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस टूल के बारे में कंप्लीट समझते हैं और कैसे उस पे आपको काम करना है। कंप्लीट देखना तो आप अच्छे से समझ जाओगे उस टूल को कैसे काम करना, उस पे कैसे आपको हर एक एलिमेंट की पता चलेंगे, आपको कौन कौन सी एरर्स कहां पे मिलेंगी, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल स्विम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और भी डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग की लेटेस्ट वीडियो और भी लाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। तो चलते सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी वेबसाइट है उसका लिंक कॉपी कर लेना, या फिर मुझे तो ऑलरेडी पता है। तो एक उस टूल का नेम मैं बता देता हूँ, स्क्रीमिंग फ्रॉग का, ये देख सकते हो। ये टूल आप आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट वन क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर आप टाइप कर देना। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर में, एक एप्लीकेशन है तो आप इसको, इस टूल को इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर में। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। मैंने भी फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूँ और ये फ्री में ही इंस्टॉल किया है, कोई इसका चार्ज नहीं देना है आपको अभी। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप इंटरनल एक्सटर्नल प्रोटोकॉल रिस्पांस कोडेड यूआरएल पेज टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा कीवर्ड H1 H2 इमेजेस लाइक कैनोनिकल लाइक बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर पता कर सकते हैं एसईओ की प्रॉपर डिटेल में कि कहाँ क्या मिस्टेक्स है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल आपको पुट करना है, जो भी आपकी वेबसाइट है उसका यूआरएल पुट करें। सो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट कर दिया है। आप पूरा यूआरएल पुट करेंगे वो ज्यादा अच्छा है, तो हम एक बार पूरा यूआरएल ले लेते हैं जस्ट सेकेंड। सो हमने एक पूरा यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल ले लिया है, जैसे https://digitalswim.co। अब हम करते हैं स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप देखें और इस टूल पर काम करना स्टार्ट करें। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से फिक्स करें, आप अपने लाइक जो आपकी वेबसाइट रैंक करने लगेगी। तो यहाँ पे एक बार एक क्रॉल हो जाए और एसईओ के फोर्स को भी फॉलो कर लेना, जितने भी लाइक आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। सो ये 98 हो चुका है, 99 हो चुका है, ये 100 हो जाए, देन हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो 100 हो चुका है, ये क्रॉल आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट स्क्रीमिंग फ्रॉग ने पूरी क्रॉल कर ली है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है पेज टाइटल का, और बहुत सारे ऑप्शन है, हम पेज टाइटल से देखे चलते हैं। तो देखो पेज टाइटल में ये हमें सब कुछ बताएगा कैसे देखना है, मैं सब कुछ ये समझ लूं। देखो यहाँ पे साइड में बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे साइड में बहुत सारे डिटेल आएगी। तो देखो आपने अपनी वेबसाइट में, पूरी वेबसाइट में सब पेजेस को ले रहा है, digitalswim.co मेन पेज को भी ले रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन को भी ले रहा है, हु इज digitalswim को भी ले रहा है, थैंक यू पेज, कॉन्टेक्ट अस, 1-to-1 ट्रेनिंग, सारे पेजेस को ये ले रहा है। अब ये सारे पेजेस को ले रहा है, तो यहाँ पे हम बता रहा है ये टूल हमें कि हमने अपनी वेबसाइट पे, टोटल वेबसाइट पे 52 पेज टाइटल्स का यूज किया है। हर पेज पे हमने टाइटल दिया है, आपने कहीं भी टाइटल मिस किया होगा तो यहाँ पे मिसिंग आ जाएगा। आपने मान लो 100 पेज है आपकी वेबसाइट में, कहीं मान लो 10 पेज ऐसे हैं जिसमें आप टाइटल देना भूल गए हैं, यहाँ पे तुरंत आ जाएगा मिसिंग और वहां पे यूआरएल भी आ जाएगी कि इस पेज में आपका टाइटल मिसिंग है। कितना अच्छा है, अगर मान लो हमारी बहुत बड़ी वेबसाइट है या फिर हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं उनकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, तुरंत पता चल जाएगा इस वेबसाइट में यहाँ यहाँ टाइटल मिसिंग है। फिर हम डुप्लीकेट की बात करें, जैसे देखो यहाँ पे 3 पेजेस हैं जिसमें हमने डुप्लीकेट टाइटल लिखा हुआ है, तो वो मेरे पेजेस सेम है इसलिए डुप्लीकेट है। अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट में कहीं भी कुछ डुप्लीकेसी है लाइक टाइटल्स में, तो वो तुरंत पता चल जाएगा। अब ये देखो हमारे एसईओ के पर्पज से हमारा जो टाइटल होना चाहिए वो 65 वर्ड और 70 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। अब ये देखो ओवर 65 वर्ड्स, 20 पेज ऐसे हैं जिसमें हमने टाइटल 65 वर्ड्स से ज्यादा लिखा हुआ है,
तो वो ये बोल रहा है कि इनको 65 बर्ड से कम करें तो आपका एसईओ अच्छा होगा, एसईओ स्कोर गाइडलाइंस को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो इनमें हमारे टाइटल की लेंथ देख रहे हो, सब कुछ प्रॉपर पता चल जाएगा। हमारे टाइटल की लेंथ इस वाले पेज में, होम पेज में, ये देखो ये कौन सा पेज है, सब कुछ पता चल रहा है हमें होम पेज में, digitalsound.co वाले पेज में। टाइटल 86 वर्ड है, किसी पेज में 107 है, किसी में 100 है। तो हमें ये बोल रहा है कि आप अपने टाइटल को 65 वर्ड से कम करें इन पेजेस पे, तुरंत पता चल गया। अब मैं तुरंत वर्डप्रेस पे जाऊंगा, टाइटल वाले सेक्शन में जाऊंगा और तुरंत इसको एडिट कर दूंगा। ये बहुत सिंपल है। अब इसमें बिलो ये बोल रहा है 12 पेजेस ऐसे हैं जिसमें जो टाइटल है वो लाइक 30 कैरेक्टर से बिलो है, मतलब हमें जो टाइटल रखना है वो 30 कैरेक्टर से ऊपर रखना है और 65 से नीचे रखना, मतलब हमें 50 60 70 65 वर्ड्स तक के बीच में अपना कैरेक्टर जो टाइटल रख लेना है। तो ये बोल रहा है कुछ पेजेस में आपका टाइटल कम है, तो ये आप सही करें। अब ये बोलता है कि पिक्सल्स हमें 568 पिक्सल से ज्यादा नहीं रखना है टाइटल्स में। अब ये देखो इसमें 664 लाइक पिक्सल यूज कर रहे हैं, जबकि बोलता है 568 पिक्सल्स का ही टाइटल रखना है। तो आप टाइटल की लेंथ कम करेंगे तो पिक्सल कम हो जाएगा, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो टाइटल की लेंथ आप यहाँ से कम कर दो, 86 की जगह 65 वर्ड्स कर दो, तो वो कम हो जाएगा। अब इसी टाइप से आप देखो और भी चीजें दिखाते हैं। टाइटल की बात क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पे टाइटल तो हमने सब पेजेस में दिया था, मिसिंग जीरो था, लेकिन इसके एग्जाम्पल में यहाँ दे सकता हूँ। तो मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे 22 पेजेस में मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, ये देखो तुरंत बता दिया। टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस में मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, वो इस डिजिटल सेवम के पीछे मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, गूगल कस्टम ऑडियंस लाइव सेटअप मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, सारे पेजेस में हमें मेटा डिस्क्रिप्शन देना है, कंप्लीट यहाँ पे बता दिया। बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, देखो मेटा कीवर्ड्स पे और भी चीजें देख लेना, मेटा कीवर्ड्स पे जाते हैं। H1 टैग आपको पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट में रैंकिंग के लिए और कीवर्ड रिसर्च, लाइक कीवर्ड जिससे गूगल इजिली डिटेक्ट कर पाए आपके। अब देखो 52 पेजेस हमने यूज किए, लेकिन एक पेज में हमारा कहीं H1 मिसिंग है, इस वाले पेज में हमारा H1 मिसिंग है, तो तुरंत डाल दें H1। अब आपकी वेबसाइट होगी, मान लो आप अपनी वेबसाइट को देखोगे तो आप देखोगे अपने डेवलपर ने वेबसाइट बना के दी है, तो देखोगे बहुत सारे पेजेस में H1 मिसिंग होगा, H2 मिसिंग होगा, H3 मिसिंग होगा, तुरंत जाके सही करें उनको। यहाँ से इस टूल से आप उसको लाइक पूरा वो कर लें, लाइक यहाँ से आप पूरा क्रॉल करा लें, पूरी एरर्स आपको मिल जाएंगे, तुरंत उसको सही कर दें। जैसे H2 में आ जाते हैं, H2 में देखो बिल्कुल हर जगह यूज किया मैंने डुप्लीकेट, बहुत सारी जगह H2 में यहाँ देखो डुप्लीकेट यूज कर रहा हूँ, तो डुप्लीकेट को सही करें, है ना। ये बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। इमेजेस पे आ जाते हैं, इमेजेस में आपको पता होना चाहिए लाइक इमेजेस की जो साइज है 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे वेबसाइट की स्पीड में इफेक्ट पड़ता है, वेबसाइट की स्पीड में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर 13 इमेज ओवर 100 KB यूज कर रहे हैं, इवन 389 KB 193 KB, तो सारी इमेज की फाइल पता चल गई हमें। देखो ये इमेज हमने WP कंटेंट में यहाँ अपलोड की हुई है और इसकी साइज है 389 KB, इसको हम तुरंत सही करेंगे। यहाँ पे क्लिक भी करूंगे तो पूरी फाइल पता चल जाएगी। इवन आप इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद अगर आप इसको गूगल पे जाओगे, गूगल पे पेस्ट करोगे तो भी ओपन हो जाएगी इमेज, और उस इमेज के साइज को रिड्यूस करो 100 KB के अंदर करो, तो आपका थोड़ा सा जो ये वेबसाइट पे इमेज इमेज वगैरह लोड लेते साइट की स्पीड होती है वो सही इंप्रूव होगी और SEO फैक्टर भी इंप्रूव होगा। मिसिंग ऑल टेस्ट, 21 इमेज 21 इमेज ऐसी हैं जिसमें ऑल टेस्ट मिसिंग है। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये पता चल गया कौन सी इमेज में ऑल टेस्ट मिसिंग है, इस पे क्लिक किया ये इमेज का URL इसको गूगल पे पेस्ट करो, पता चल जाएगा कि कौन सी इमेज है ये, जो भी इमेज है ये उस इमेज पे ऑल टेस्ट डालो। ऑल टेस्ट गूगल पर इमेजेस सेक्शन में रैंकिंग के लिए काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको सही करो। फिर कैनोनिकल आप पता कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल प्रोटोकॉल्स, तो बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे डेवलपर पर्पज से हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे SEO पर्पज से, जैसे कि साइट मैप्स आ गया, स्ट्रक्चर डाटा आ गया, AMP फैक्टर आ गया, सर्च कंसोल आ गया, ये लाइक SEO वाले बंदे के लिए, SEO वाले पर्सन के लिए, तो सारी एरर यहाँ से देखें और फिक्स करें। सो आई होप आपको ये टूल अच्छा लगा हो, और आप इस टूल की हेल्प से आप अपनी किसी भी वेबसाइट की, आप अपनी वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट, सारी वेबसाइट्स को ऑडिट कर लें। वेबसाइट को ऑडिट करने के बाद उनकी एरर्स को फिक्स कर लें। एरर जब फिक्स हो जाएंगी तो बहुत सारी लाइक आपके बहुत सारे SEO के स्कोर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, SEO का स्कोर तो ईजिली इंप्रूव हो जाएगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे मैं और भी शानदार वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।